प्रसाद यादव बिहार की राजनीति से जुड़ा एक ऐसा नाम जिसे देश ही नहीं दुनिया भी जानती है। लालू यादव की शख्सियत ही ऐसी है कि हर कोई उनकी ओर खींचा चला आता है। आपको बता दें कि लालू जब कॉलेज में पढ़ते थे तो लड़कियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे, ऐसा हम नहीं वो खुद कह रहे हैं। लड़कियां उन्हें प्यार से लालू महात्मा कहती थी। लड़कियों के बीच लोकप्रिय होने के कारणों पर लालू क्या कहते हैं जरा सुनिए। लड़कियों का मेरी तरफ झुकाव का मुख्य कारण यह था कि मैं सहज ही उन असामाजिक तत्वों की पहचान कर लेता और उन्हें सबक सिखाता था जो लड़कियों का पीछा करते, उन पर कटाक्ष करते या उन्हें परेशान करते थे। मेरी मौजूदगी भर से ही सड़क छाप रोमियो भूत बन जाते थे। मैं लड़कियों के बीच इतना लोकप्रिय हो गया कि वे लड़कों के खिलाफ शिकायत लेकर मेरे पास पहुंचती और लड़कों का नाम भी बताती। उन्हें विश्वास था कि मैं कार्रवाई ज़रूर करूंगा। मैं उन्हें कभी निराश नहीं करता था। मैं उन लड़कों को पकड़ता और उन्हें लड़कियों के साथ अच्छा व्यवहार करने की सीख देता। ये सबक बेहद प्रभावी साबित हुए। ऐसी रोमियो की पुलिस या प्रशासन ने शिकायत करने में मेरा भरोसा नहीं था। उन उदंड लड़कों को सबक सिखाने का मेरा अपना तरीका था। मेरी बहादुरी के कारनामे मेरे कॉलेज से बाहर फैलने लगे। मैं पटना वुमेन्स कॉलेज और मगध महिला कॉलेज तक में लोकप्रिय हो गया। संभ्रांत छवि वाली पटना वुमेन्स कॉलेज में लड़कियों की कक्षाओं को संबोधित करने वाला मैं पहला छात्र था। पटना वुमेन्स कॉलेज के प्रिंसिपल सिस्टर एम लिसेरिया अनुशासन के मामले में बेहद सख्त थी। उनके समय में यह कानून बन गया था कि कॉलेज का मुख्य दरवाज़ा पुरुषों के लिए हमेशा बंद ही रहता था। लेकिन जब मंजरी जरहूर, जो बाद में आईपीएस अधिकारी बनी, और वुमेन्स कॉलेज की दूसरी छात्राओं ने उनकी कक्षाओं को संबोधित करने के लिए मुझे निमंत्रित करने और सम्मानित करने का फैसला लिया तो प्रिंसिपल मान गए। जब मैंने वहां भाषण देना शुरू किया तो लड़कियां यह कहते हुए एक स्वर में मेरा स्वागत करने लगी, लालू महात्मा आया है, लालू महात्मा आया है। मैं साधारण कुर्ता पैजामे में था और मैंने बातचीत की शैली में भाषण दिया। मैं पटना वुमेन्स कॉलेज और मगध महिला कॉलेज में नियमित भाषण देने लगा और मैंने कुछ छात्राओं की शिकायतों का भी समाधान किया। मैंने उस दिन एक छोटी सी भीड़ को संबोधित किया था, लेकिन उसका अनुकूल प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे मेरे अधिक से अधिक साथी मेरे साथ उठने बैठने लगे। उसके बाद मैं हमेशा 30 से 50 छात्रों के समूह में घिरा होता था। मैं बिना तैयारी के ही भाषण देने लगता था, जिनमें लोहा सिंह के संवाद और ग्रामीण जीवन की लोकोक्तियों और कहावतों का पुट होता था। वह सार्वजनिक जीवन और राजनीति में मेरा पहला पदार्पण था। कॉलेज के प्राचार्यों मोइनुल हक और बाद में लाला मुकुंद मुरारी और प्राध्यापक मुझे पहचानने लगे थे। धीरे धीरे वो मुझे पसंद करने लगे थे। जातियों और समुदायों से अलग हटकर छात्र भी मेरे भाषणों को पसंद करने लगे थे, क्योंकि आवागमन की किफ़ायती व्यवस्था की मांग सभी के हितों से जुड़ी हुई थी। ऐसे ही लोहा सिंह के संवाद भी छात्रों को पसंद आते थे। कई प्राध्यापक और छात्र यह मानते थे कि मैं भी संवाद लोहा सिंह से बेहतर ढंग से बोलता था। वह स्मृति आज भी मुझे गुदगुदाती है कि कॉलेज जीवन के शुरुआती दौर से ही मैं लड़कियों के बीच बेहद लोकप्रिय था। ज़्यादातर लड़कियां समृद्ध और उच्च मध्य वर्गीय परिवारों से थी। गरीब जातियों के पास ना तो अपनी बेटियों को शिक्षा देने के लिए पैसे थे और ना ही उस दौर में अपनी बेटियों को शिक्षित करने में उनकी कोई रुचि थी। ऐसे में कॉलेज में दलित या पिछड़ी जातियों की किसी छात्रा को ढूंढना गधे के सर में सिंग ढूंढने जैसा था। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही स्टोरीज लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हम आपको एपिसोड दर एपिसोड सुनाते रहेंगे।